हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद मारू सिद्दीकी, योर साइंस टीचर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन मोर टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट। द नेम ऑफ टॉपिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। लेट्स सी द टॉपिक, प्लीज लिसन केयरफुली। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। These parts are called molecules. Means पदार्थ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे parts से मिल करके बना होता है और जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऐसे parts को हम molecules means अणु कहते हैं। Molecules in turn are made up of still smaller parts called atoms which do not generally exist independently. और जो ये मॉलिक्यूल्स अणु होते हैं ये और भी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट से बने होते हैं जिन्हें हम एटम्स परमाणु कहते हैं जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए एटम्स हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन H2 नाइट्रोजन N2 ऑक्सीजन O2। और यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जैसे कि वाटर H2O H2O कार्बन डाइऑक्साइड CO2 C और ये O2। यहाँ पे मैंने आपको पहले से मतलब दिखा दिया, इसी के बारे में हम यहाँ पर आपसे एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से एटम्स आपका अकेला होता है और एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे मिलकर के बनते हैं और कंपाउंड कैसे बनते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ ओनली वन काइंड। किसी भी एक तत्व के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर के बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये मॉलिक्यूल है किसी भी एक तत्व का, तो ये एक ही प्रकार के एटम हाइड्रोजन इनसे मिलकर के बना है। बट लेकिन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कि किसी भी एक कंपाउंड मीन्स यौगिक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ टू आर मोर काइंड्स। ये दो या दो से ज़्यादा प्रकार के एटम्स से मिलकर के बने होते हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स तत्वों से मिलकर के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम कम्बाइंड टू फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन के दो एटम हैं वो आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का बनाते हैं। एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कम्बाइंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के टू एटम्स आपस में मिल करके एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनाएंगे। बट लेकिन एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन का एक एटम रिएक्ट विद टू ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के टू के साथ एक ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी का एक मॉलिक्यूल बनाएगा जैसा कि यहाँ पर। थस अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन्स टू एटम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो आपने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कितने एटम्स हैं, टू। अ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन्स टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि आप देखें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स, जो पानी का एक मॉलिक्यूल है इसमें आपको दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन होते दिखेगा। सिमिलरली एन एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और ठीक उसी तरीके से देखिए टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के बनने में एक एटम आपका कार्बन का है जबकि ऑक्सीजन के आपके दो एटम्स हैं। स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज लर्न द टॉपिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केयरफुली। थैंक यू।